हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आज हमारा एक नया व्लॉग और बनने जा रहा है, जो कि दिल्ली टू मंसूरी का होगा। तो अभी हम निकल चुके हैं घर से, जो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:05 हो रहा है। तो अभी देखते हैं कैसा व्यू रहता है वहां का, और आपको दिखाऊंगा कौन से रूट से आप जा सकते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो जाने में। तो चलते हैं। ओके, यहाँ से हम द्वारका से निकल रहे हैं। सुबह के अभी 5:07 हो रहे हैं गाइस। तो यहाँ से अभी जो हम जा रहे हैं, जो ब्लॉग बनेगा वो बनेगा दिल्ली टू मंसूरी का, और आपको सारा रूट का आपको सारा बताऊंगा कि कहाँ से आप जा सकते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो कोई भी, अगर अपना भाई बंधु कहीं जाना चाहे तो। यहाँ से हमने और भी अपने दोस्तों को उठाना है, जो कि द्वारका सेक्टर 1 से पिक करना है, देन उसके बाद हम वहां से निकलेंगे सभी के सभी। 5:30 का जैसे रिकॉर्डिंग टाइम बताया, पर अभी जो टाइम हो रहा है अपना 5:08 हो चुके हैं। अरे पिछली बारी जब हम रानीखेत गए थे तो तब का हम ब्लॉग नहीं बना सके थे, बट ये कि उसकी कुछ मैंने ब्लॉग बनाए थे जहाँ पे हम हल्का फुल्का जब गए थे घूमने फिरने के लिए, तो वो भी देखिए आपका आज आ जाएगा ब्लॉग। इस ब्लॉग से पहले आपका ब्लॉग मैं अपलोड कर दूंगा टाइम से। अभी सुबह बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, देख सकते हैं आप। सुबह का मौसम अभी आपको फोन में इतना शो नहीं कर रहा होगा इसमें, बट मौसम अभी ऐसा हो रखा है जैसे कि अभी बारिश हो जाएगी थोड़ी देर में। तो गाइस फाइनली हम अपने जो और भी जो पार्टनर्स हैं जिनको लेके जाना है साथ में, बस वहां पे हम पहुंचने वाले हैं हार्डली 2 के अंदर। गाइस हम पहुंच चुके हैं, तो अभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं उनका सभी का कि वो कब तक आते हैं, देन उनको सभी को पिक करके उसके बाद फिर चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। और जो अभी टाइमिंग जो दिखा रही है हमें जो पहुंचने का, वो दिखा रही है मंसूरी का, एक मिनट जस्ट सेकंड। वो हमें दिखा रही 6:16, जो कि हम अगर अभी टाइम से अगर निकले ना ट्रैफिक मिले तो हम आराम से 12 तक हार्डली पहुंच जाएंगे आराम से इजिली। तो देखते हैं सर क्या होता है, करना था सभी को। गाइस अभी आ चुके हैं, तो अभी हम थोड़ी देर में निकल रहे हैं, तो देखते हैं सभी कहाँ गए।
अभी हम यहाँ पे रुके हैं अपना शिव पंजाबी टूरिस्ट ढाबा पे। तो यहाँ पे थोड़ा नाश्ते के लिए रुके हैं सभी के सभी। यहाँ से भी थोड़ी देर में निकलेंगे, फिर से अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे हरिद्वार के लिए। चार दिन तो फाइनली गाइज हम चल पड़े हैं वापस अपने हरिद्वार के लिए। अब आप रुके हैं रुड़की से पहले सीएनजी फिल कराने के लिए अपनी गाड़ी के अंदर, देन उसके बाद फिर ट्रिप अपनी चालू करेंगे। और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 9:51। हम निकले थे 6:30 करीब, तो अभी हमारा जो रह गया वो 1 घंटे का सफ़र रह गया हरिद्वार पहुंचने में। तो उसके बाद हरिद्वार के अंदर क्या था वहाँ का व्यू है, कम है गाड़ी का साइज और पड़ा था नहीं, ठीक है कम। इसी के 90 किलोमीटर केदारनाथ 312 किलोमीटर, यमुनोत्री 338 किलोमीटर, गंगोत्री 352। पूरा पतंजलि का हुड है वो, देखो ना पतंजलि विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम। ये पूरा पूरा पतंजलि का आजू बाजू में जो भी प्लेस है ना वो यही खरीद लेंगे। क्या चाह रहे हो? गाइज आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, एंड कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। इस बार बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पे हरिद्वार के अंदर, आप देख सकते हैं। तो सारे भक्तों की कितनी भीड़ से उमड़ हुआ है हरिद्वार। गंगा स्नान हम कर चुके हैं सर, अब इसके बाद चलते हैं लंच करने।